अस्सलाम रकमाराही नाज़रीन मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान ने बिलाखिर मास्टर कार्ड खेल दिया और ये कार्ड इमरान खान का आखिरी नहीं बल्कि पहला कार्ड है असम्बलियाँ छोड़ने और तोड़ने से क्या होगा तफसीत आपको बताते हैं और पी डीएम और उनके हैंडलर्स की रात गए दौड़ें लग गई और आज छोटों ने बड़ा इजलास क्यों बुला लिया तफसी आपके सामने रखेंगे दोस्तों मामला कुछ यू है कि इमरान खान की सियासत को समझना छोटे और झूठे सियासतदानों के बस की बात नहीं सबसे पहले मामला शुरू कर लेते हैं हकूमत के उस रद्द अमल से जो कि इमरान खान के इस बड़े ऐलान मास्टर कार्ड के बाद सामने आया और वो ऐलान ये था कि जनाब इमरान खान अगर इसम्बलियाँ छोड़ेंगे या इसम्बलियाँ तोड़ेंगे तो हम वहाँ पर एलेक्शन करा देंगे क्या ऐसा मुमकिन है इसकी तफसीत आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्यों कर वडे एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी भी ये तमाम तर मामला नहीं समझ पाए क्योंकि हमारी राय के मुताबिक तकरीबन नब्बे फ़ीसद पाकिस्तानी मीडिया को ये बात ही समझ नहीं आई क्योंकि इमरान खान ने दो असम्बलियाँ तोड़ने और दो असम्बलियाँ छोड़ने का ऐलान किया है एक असम्बली इमरान खान पहले ही छोड़ चुके हैं और होगा क्या जरा उनतीस नवंबर को गुजर लेने दें तमाम तार मामला और सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी पहले चलते हैं इमरान खान के उस अहम तरीन ऐलान की जानब इमरान खान की उस तकरीर की जानब ताकि आपको यह सारा मामला समझ आए लेकिन उससे पहले रात गे सबसे बड़ी खबर और ताज़ा तरीन अपडेट और वो जनाब यह है कि इस वक्त इम्पोर्ट हुकूमत और उनके हैंडलर्स के पास एजेंसीज़ की जानब से खुफिया एजेंसी की जानब से गैर जानबदार ज़राए की जानब से रिपोर्ट पहुँच चुकी है कि रावलपिंडी में इमरान खान के पिंडी जलसे आज़ादी मार्च के लिए कमोबेश दस लाख से जायद अफराद निकले और पहुंचे जलसा गाह के अंदर और दस लाख से जायद अफराद वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर इमरान खान तकरीर कर रहे थे बरह रास्त और उसके साथ साथ लाखों की तादाद ने सोशल मीडिया के ऊपर भी इमरान खान की यह तकरीर सुनी इस तरह से जो लोग इमरान खान के इस जलसे को लॉन्ग मार्च को आजादी मार्च को नाकाम कह रहे हैं वो इस वक्त अपना समूह लेकर बैठ गए हैं और दूसरी जानब इसकी इसकी तफसीत में जाने से पहले कि क्यों कर इमरान खान का ये मास्टर कार्ड है मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने अपनी तमाम तर सियासत आइन और कानून के अंदर रहकर की और गुजशत 48 घंटों के अंदर उन्होंने दो बड़े सरप्राइज़ दिए और वह लोग जो कि इमरान खान से टकराओ की सियासत एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार होना पड़ा और इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपनी उस मंजिल की जाने बढ़ रहे हैं कि जिस मंजिल के नतीजे में बेलाशुबा आवाम पाकिस्तान के ऊपर हकूमत करेंगे इशराफिया से नजात मिलेगी और दो तिहाई अक्शियत के साथ इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान के मुंखिब वजे अजम होंगे चंद ए, ए, जो है वो चंद घंटे कबल या ये कहना चाहिए कि एक दिन कबल इमरान खान का जो आर्मी चीफ की समरी के हवाले से फ़ैसला आया डॉक्टर आर एफ एल ने जो समरी पर दस्खत कर दिए वो भी लोगों के लिए खासा हैरान कौन था और उसके बाद आज रावलपिंडी में इतनी बड़ी तादाद में आवाम के पहुंचने के बावजूद इमरान खान ने ना ही धरने का ऐलान किया ना ही इस्लामाबाद की जाने लांग लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कोई रास्ते बंद नहीं किए बल्कि गुजशत एक माह से जायद अरसे में मकम्मल तौर पर तमाम तर टी वी स्क्रीन्स और तमाम तर सोशल मीडिया पाकिस्तान कंट्रोल में रहा पाकिस्तान इंसाफ और इमरान खान तमाम तर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर डिजिटल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर छाए रहे और आज इमरान खान ने एक और सरप्राइज़ देकर सब को हैरान कर दिया और इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी माफिया है जो उनके हैंडलर्स हैं और जो वडे एंकर और वेले कलम नगार हैं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान के इस शानदार सरप्राइज और सियासी मास्टर कार्ड के बाद उनके पास क्या बचा है पहले राना सनाउल्ला का जो रद्द अमल उससे पहले इमरान खान की तकरीर के वो जुमले जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे की जानब पढ़ा इमरान खान ने बड़ा ही वाजे किया इमरान खान ने जो लाखों के मजमे से खिताब करते हुए जब इमरान ख़ान ने इस बात का ऐलान किया राहुल पिंडी जलसे के अंदर कि वो तमाम असम्बलियों से निकल रहे हैं तो उसका मतलब क्या था इसको समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान इंसाफ की खैबर पखतनखा के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमत है यानी खैबर पखतनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उनका तल्लुक़ पाकिस्तान तरीक़ानसाफ़ के साथ है और इस तरह से सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान की हुकूमत नहीं वहाँ पर पाकिस्तान इंसाफ अलीत में है और वहाँ पर उनके कुछ मेबरान हैं उसकी तफ़ीत भी आपके सामने रखते हैं लेकिन पहले ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आठ सौ उनसठ नशस्तों के ऊपर आम इंतबात बरह रस इंतब होते हैं जिसमें बलोचिस्तान की इक्यावन नशस्तें शामिल हैं खैबर पखतनख्वा की एक सौ पंद्रह नशस्तें हैं सिंध की एक सौ तीस हैं पंजाब की दो सौ सत्तानवे हैं और कौमी असम्बली की दो सौ छियासठ नशस्तें अगली मरतबा से होंगी इस वक्त दो सौ बहत्तर जो है वो नशस्तों पर इंतबात हुए थे लेकिन के पी की सीटें फाटा के ज़म होने के बाद इक्यावन से कम होकर पैंतालीस हुई इसलिए ओवरऑल तादाद दो सौ बहत्तर से कम होकर दो सौ छियासठ होगी अगले इलेक्शन के अंदर इन दो सौ छियासठ नशस्तों में से पाकिस्तान तरीक़ानसाफ जो है वो एक सौ तेईस से ज़्यादा नशस्तों पर पाकिस्तान तरीके के इस्तीफ़े जो है वो आ चुके हैं और हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें इमरान खान ने शानदार कामयाबी हासिल की जमीनी इतबाब में उनसे भी इस्तीफे जब जा आ जाएंगे तो यह तादाद मजीद बढ़ जाएगी और कमो बेश एक सौ पच्चीस से एक सौ तीस जो नशस्तें हैं वो कौमी असम्बली की ख़ाली हो जाएंगी पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तरीके और इतिहादियों की तादाद एक सौ नब्बे है लेकिन अगर पंजाब असम्बली तोड़ी जाती है तो तमाम तर दो सौ सतानवे जो नशस्तें हैं वो खाली हो जाएंगी इसी तरह के पी के असम्बली अगर तोड़ी जाती है तादाद एक सौ पंद्रह जो जो है वो नश्तें जहाँ पर जो है वो इंतबात होने हैं एक सौ पंद्रह हैं पाकिस्तान इंसाफ के पास नब्बे से पचानवे के करीब नशिस्तें हैं बलोचिस्तान में पाकिस्तान तरीके इसाफ के पास सात नश्तें हैं आप इस मामले को समझ लीजिए होगा क्या क्योंकि पंजाब और खैबर पखतनख्वा की असम्बलियाँ अगर तोड़ दी जाए तो आयन और कानून यह कहता है कि अगर चार माह से जायद का अरसा रहता हो असंबलियों की मुद्दत पूरी होने में जो कि अप्रैल के महीने में चार माह से कम का अरसा रहेगा क्योंकि अगस्त में इन असंबलियों ने मुद्दत पूरी करनी है तो अप्रैल से पहले जब भी ये असम्बलियां तोड़ी जाएंगी इन असंबलियों के ऊपर हर सूरत आम कराने होंगे, नहीं अगर ये असंबलियां तोड़ दी जाती हैं और इन असंबलियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाता है और पाकिस्तान तरीके के पास ये ऑप्शन मौजूद है और जरा सोचिए कि अगर इन असंबलियों के अंदर ज़मीनी इंत नहीं होते नए आम इंतबात होते हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ भारी अक्सर के साथ जीत कराती है और उसके बाद अगस्त के महीने में अगर आम इंतबात होते हैं तो ऐसी जा, जा, मैं नेशनल असम्बली के इंतबात की बात कर रहा हूं कि उसके बाद अगस्त में अगर कौमी असम्बली के इंतबात होते हैं अगर इन असम्बलियों के तोड़ने के बावजूद इंतबात की तरफ नहीं जाती तो खुद जरा सोचिए कि अगर दो सूबों के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हकूत हो तो वोटर टर्नआउट क्या होगा कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए और यह भी सोचिए कि ट्रेंड्स क्या बनेंगे क्योंकि बेलाशुबा दो तिहाई और, पंजाब और के कराना होंगे अब अगर बिलफर यह समझ लिया जाए कि अगर ये असम्बलियां नहीं टूट पाती और सिर्फ पाकिस्तान तरीके ये छोड़ देती है तो ऐसी में क्या होगा फिर वो जमीनी इंतबात कराएंगे लेकिन मामला यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि राना सना का बयान आया उन्होंने कहा जनाब पंजाब में हम अदम एतम अदम की तहरीक सामने ले आएंगे हम खैबर पखतनखा मेंदम अहतमाद अदम की तहरीक सामने ले आएंगे पहले तो यह समझ लें कि जब असम्बली सेशन के अंदर जब असम्बली का सेशन चल रहा हो तो तरीकेदम अहतमान नहीं आ सकती लेकिन उस सेशन के दौरान असम्बली तोड़ी जा सकती है और अगर तरीकेद अहतमाद आ भी जाती है पंजाब में या खैबर पखतनखा में पंजाब में सादा अक्सीियत है खैबर पखतनखा में दो तह अक्सीत है चंद हफ्ते कबल ही पंजाब में एक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के नतीजे में तमाम अपोजिशन पार्टियों और पीडीएम को मुकम्मल नाकामी से दो चार होना पड़ा और अब अगर वो वह तरीकेद लाते हैं तो अगले बहत्तर घंटों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोनों जगह पर वोटिंग करा के तरीकेद नाकाम करा के उसके बाद भी असंबलियां तोड़ सकती है अप्रैल तक का वक्त है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अब अगर समझ लीजिए कि इन दोनों असंबलियों को तोड़ने के बाद एक सौ पंद्रह के पी के और पंजाब की दो सौ सतानवे पर नए इंतजार कराने होंगे और अगर इसी सूरत हाल के अंदर और सिंध की बलोचि भी पाकिस्तान तरीके छोड़ दे तो बलोचि में तरीके इंसाफ के पास सात नशस्तें हैं सिंध में तरीके इंसाफ के पास छब्बीस नशितें हैं और एक सौ तेईस नशितें इसमें अगर कौमी असेंबली की भी शामिल कर ली जाए तो इन नशिस्तों की तादाद कुल मिलाकर पाँच सौ सड़सठ बनती है फाइव सिक्स सेवन और पूरे मुल्क में आठ सौ उनसठ पर जो है वो बरहराश इलेक्शन होते हैं यानी आठ सौ उनसठ में से अगर पांच सौ सड़सठ खाली हो जाए तो क्यों कर यह मुमकिन है आईनी और कानूनी माहरीन भी ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ़ूमत जो है वो ज़मनी इंतबार की जानब बढ़े या इलेक्शन कमीशन ज़मीनी इतब की जानब बढ़े क्योंकि कम अज़ कम दो असम्बलियों में तो ज़मनी इंतबात होंगे ही नहीं वो हैं के पी के और पंजाब क्योंकि अगर इसम्बलियाँ टूट गई तो फिर फिर जमनी इंतबा का क्या मतलब हुआ फिर तो इन दोनों असम्बलियों के आम इंतबात कराना होंगे यह है वो नुकता जो कि मीडिया सामने नहीं रख रहा समझ नहीं पा रहा समझ गया है जानबूझकर कर सामने नहीं ला रहा ताकि इमरान खान की सियासत को नाकाम साबित किया जा सके और राना सनाउल्ला का ये जो बयान है इसको वो जनाबेली पेश कर रहे और जो है वो इमरान खान के इस बयान के मुकाबले में कि ये लोग इस्तीफ़े दें तो ज़मनी इलेक्शन हो जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन की जानब से भी ज़रा से ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि अगर इमरान खान ने तमाम असम्बलीयों से इस्तीफ़े दे दिए तो इलेक्शन कमीशन के ज़राये का कहना है कि जमनी इंतबात होंगे आम इंतबात नहीं होंगे इस किस्म की झूठी ख़बरें चलाना से कुछ नहीं होगा यह हम वह तफसीलत जो मैंने आपके सामने रखी हैं और यही कहता है आयन और कानून अब जरा इस मामले को इस तरह से भी देख लीजिए कि बिल फर्ज बिल फर्ज अगर हुकूमत जो है वो नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाती इन असम्बलियों के तोड़ने के बावजूद तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है पाकिस्तान की अदालतें हैं इसके बावजूद इसके साथ साथ इमरान खान इन असम्बलियों से बाहर निकलने के बाद एक ज़्यादा बेहतर तौर पर इस इखलाक पोजिशन में भी होंगे कि वो ये इसम्बलियाँ छोड़ चुके हैं तो अब मुल के अंदर नए इंतबा का ऐलान जो है वो कर दिया जाए क्योंकि इससे पहले बारहा पी डी एम की हुकूमत भी ये बात कर चुकी कि अगर खैबर पखतनख्वा और पंजाब की इसम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ तो वो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे अब होने क्या जा रहा है होने ये जा रहा है कि इसके फौरन बाद जो है वो मोन सलाई का भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जिस दिन कहा उस दिन वो पंजाब असम्बली तोड़ देंगे और इसके साथ साथ उन्होंने तो कहा कि 27 जुलाई को अल्लाह ताला ने हमें सुरख किया और ये अमानत है इमरान खान की इस वक्त जो परवेज़ अली के पास पंजाब के अंदर इकतदार है और जब भी इमरान खान कहेंगे हम पंजाब इसम्बली तोड़ देंगे और इमरान खान को उन्होंने वज्राजम कहकर जो है वो मुखातिब किया और फिर ये भी जरा का कहना है कि इमरान खान ने अपनी पार्लियामानी पार्टी तमाम तर लोगों से मशवरे के बाद यह ऐलान किया आइंदा चंद दिनों के अंदर वज्र से मुलाकात कर रहे हैं पार्टी के अजलास बुला रहे हैं और उसके बाद अगले तीन दिनों के अंदर उनतीस नवंबर के बाद किसी हतमी नतीजे की जानब जो है वो पाकिस्तान तरीक़ानसाफ और खान बढ़ेगी इसलिए ये इमरान खान का ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का मास्टर स्ट्रोक है मास्टर कार्ड है और ये भी समझ लें कि ये इमरान खान का आखिरी नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये इमरान खान का पहला कार्ड है इमरान खान की दो तिहाई अक्सयत की जानब जो कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को लेकर बढ़ेगा अब इसके रद्दमल के तौर पर क्या हुआ है जो लोग जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कुछ नहीं हुआ फौरी तौर पर रात गए टेलीफोन की घंटियाँ बचने लगी हैं शहबाज शरीफ जो कि तुर्की के दौरे से वापस आए रात गए उन्होंने रबते किए हैं पी डी एम की दीगर जमातों के साथ और आज के दिन की ये तलात है कि जितने भी ये छोटे और झूठे सियासतदान हैं वो मिल बैठेंगे बड़ा इजलास इन्होंने तलब कर लिया है और उस इजलास के अंदर ये इस मामला के ऊपर गौर करेंगे मौलाना फुजरह जिनको आयन और कानून का नाम नहात माहिर भी कहा जाता है उनसे इस वाले से मुशावरत भी की जाएगी दीगर आइनी और कानूनी माहरी से मशरे भी किए जाएंगे कि अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए मौजूदा इम्पोर्ट हकूमत है जो पी डी एम की उनके पास क्या बचेगा दूसरी जानब अगर बात कर लें हैंडल्स की तो इस इमरान तो इमरान ख़ान के इस ऐलान के बाद पी डी एम हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं जिनके पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बहत्तर घंटे हैं उनकी सफ़ों के अंदर भी इस वक्त शदीद तरीन बेचैनी है वो भी परेशानी का शिकार हैं कि गुजशत तीन दिनों के अंदर इमरान खान ने ये जो दो जबरदस्त किस्म के मास्टर कार्ड खेले हैं उसके बाद इमरान खान के मुखालफ सियासी माफिया के पास इमरान खान के मुखालफ सियासी माफिया के हैंडलर्स के पास और इमरान खान के मुखालफ सियासी माफिया का मुलाजम मीडिया वडे एंकर वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ियों के पास किसी किस्म का कोई बयानिया मौजूद नहीं रहा इस वक्त वो बेचैन है परेशान है और रात के जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं हमारे जराये का यह दावा है कि कई महफलों के अंदर इस बात का आज वीकेंड में इस्लामाबाद के वीकेंड के ऊपर इस बात का तस्करा हो रहा है कि इमरान खान ने अपनी सियासी जिंदगी का बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला है और इमरान खान जो हमेशा बड़े रिस्क लेकर सियासत करते हैं आज जब वो रावलपिंडी पहुंचे तो उनका जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे से के ऊपर जो है वो आया था और लोग जिस तरह से लोगों ने जिस तरह से इमरान खान का इस्ताल किया ये बात बड़ी ही वाज नजर आ रही थी कि इमरान खान इस मौके के ऊपर कोई इंतई अहम तरीन और बड़ा फैसला करने वाले हैं और फिर बिल्कुल वही हुआ कि जब इमरान खान ने यह ऐलान किया तो उसके बाद टी वी स्क्रीनस की जीनत बने मुख्त पाकिस्तान के तजिया नगार और उनका इस बात के ऊपर उनकी डिबेट शुरू होगी कि आखिरकार इमरान खान इस ऐलान से क्या ये और सुभाई के छोड़ने का फैसला कर लिया इमरान खान ने दो असम्बलियां तोड़ने और दो असम्बलियां छोड़ने का फैसला किया है इसको समझें सिंध और बलोचिस्तानी छोड़ने का फैसला किया है पंजाब और खैबर पखतुखाबली तोड़ने का फैसला किया और इसके साथ साथ गिलगित और कश्मीर की असंबली पास रखने का फैसला किया है सेनेट के अंदर भी रहने का फैसला किया है और सदर की पोजीशन के ऊपर भी सदर के अहदे के ऊपर भी इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक कारकुन जो हैं वो टफ टाइम देने के लिए मौजूद हैं तो जनाब ये हैं वो तमाम तर अहम तरीन और बड़ी तफसलात और इन तफसी के बाद अब मुस्तबिल के हवाले से तमाम तर जो सियासी कार्ड हैं एक बार फिर इमरान खान के हाथ में अपना बहुत ख्याल रखेगा वो में याद रखेगा नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे अला नगे बन